एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि मध्य प्रदेश में लाखों रुपए का कर्ज है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मध्य प्रदेश में कर्ज लिया सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले करने के लिए। मुझे लगता है मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि कर्जा लेना एक चीज है और कर्जा आप भ्रष्टाचार और घोटालों में निवेश कर रहे हैं या उद्योग नौकरी व्यवसाय उनको बनाने में निवेश कर रहे हैं। यहाँ की सरकार ने वो नहीं किया है 18 साल में। अगर किया होता तो यहाँ का परिवेश बिल्कुल डिफरेंट होता। अगर किया होता तो 40 लाख रजिस्टर्ड लोगों में से 21 लोगों को नौकरी नहीं मिलती और दो लाख पद खाली नहीं रहते। तो मुझे ऐसा लगता है कर्जा लेना और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं वो दो अलग बातें। मैंने इसका जवाब दिया जी। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।